सबसे पहले तो मैं आपको ना एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, वैसे तो लोग आप लोगों को पता होगा क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सेम पेज पे लाने के लिए। अच्छा, हम पिछले दिनों बैठे हुए थे ऑफिस में, हमारी एक मीटिंग हो रही थी, तो हमने कहा कि यार हमारे पास से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं ना वो क्या कहते हैं तो कॉम्पिटेंट टेक्निकली, लेकिन कुछ मसले हैं, वो थोड़ा सा शाय होते हैं, बोल नहीं पाते सही तरह, उनको कहीं खड़ा कर दो बोलने के लिए तो कुछ तो बहुत तेज है, लेकिन बात हो रही है सब लोगों की, तो क्या कहते हैं हमने कहा इसका हल क्या किया जाए, तो दो तीन सजेशन आए। एक तो ये इंग्लिश लैंग्वेज कि भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए, क्योंकि फ्रीलांस आप काम करेंगे तो गोरों के साथ तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए, उसके बगैर तो काम नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, कोई नया फ्रेमवर्क आएगा, वो तो सारी अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट, तो इंग्लिश कुछ लोगों की तो बड़ी अच्छी है, बाकियों की करवानी पड़ेगी, तो ये सारी हम डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रेजेंटेशन शुरू करें यहाँ, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है ना कि स्टूडेंट क्या करता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि भाई अब MBA का जो स्टूडेंट है वो इतना काबिल है कि उसको बुक बुक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चा थोड़ी है वो कि उसको बुला के बुक पढ़ाए, तो आप MBA की क्लास देखेंगे ना, ये IBA वगैरह में जो बिजनेस स्कूल है इसमें पूरा साल वो प्रेजेंटेशन करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं यार ये टॉपिक है पढ़ के आ जाए ना, एक आध लेक्चर हो जाता है, महीने में एक या दो लेक्चर होते हैं उनके, बाकी सारा प्रेजेंटेशन चलती है, खासतौर पर जो शुरू हाफ में तो होता है ना वो तो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो आधा बाकी का हाफ होता है उसमें तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, क्यों भाई वो बिजनेस के बंदे हैं, वो मार्केटिंग के बंदे हैं, उन्होंने जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फेस बनना है उन्होंने जाके, तो उनको बोलना आना चाहिए। जैसे मैं इतना आपके सामने खड़े हुए बातें कर रहा हूँ ना, मैं जब स्कूल के जमाने में मैं बिल्कुल मासूम सा था, कुछ बोलता नहीं था, अगर मुझसे कोई पूछ लो ना तो मेरा चेहरे का रंग चेंज हो जाता था, और ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता था अब ये दम निकल जाएगा, बच्चे निकल जाएंगे, मुझे तो नहीं याद है, लोग बताते हैं जिन्होंने देखा था तो लेकिन अब मैं ऐसा तेज कैसे हुआ, ऐसा तेज ऐसे हुआ बोल बोल के हुआ, बोलेंगे तो बोलना आएगा, खड़े होके बोला बहुत दफा, गलतियां भी की, बिला वजह भी चला जाता था, फिर इतना शौक हो गया बोलने का, तो बोलते बोलते आदत होती है बोलने की, आप भी बोलना शुरू करेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। अच्छा, तो अब आइडिया क्या है, तो पहले तो हमारे ध्यान में ये बात आई कि अच्छा है प्रेजेंटेशन करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के साथ साथ फिर जाहिर है इवॉल्व हुआ हमारा आइडिया, तो हमने सोचा कि हम ये करेंगे, ये जो देखें अभी हमारे पास ना क्विज होता है, एग्जाम होता है, ये एग्जाम जो है ना, ये जो MCQs है, ये जो इसमें नंबर आता है कि आपका 70% आ गया, 80% आ गया, ये एक नंबर आपको डिफाइन नहीं करता। तो हम सैलानी में ना, मैं काफी दिनों से सब टीचर्स से भी बात चल रही है, मैनेजमेंट से भी बात चल रही है, हम इस क्विज सिस्टम से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है ये असाइनमेंट बेस्ड हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो। अच्छा, क्या हो, आप जब यहाँ पे आए तो पहले ही दिन से आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाए, और वो जो प्रोजेक्ट हो ना उसके ऊपर आपकी मार्किंग हो, जो जितना अच्छा बनाया उतने अच्छे उसके मार्क्स। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, देखो अभी तो आपने 80% 90% आ गया, I appreciate जो अच्छे नंबर ला रहे हैं कैसे, I appreciate, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके मार्क्स आ गए 80% सैलानी quiz.sailani.com, अब आप गए किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, उसको आपने बताया कि मेरे 90% नंबर आते थे सैलानी में, चार टेस्ट में मैंने 90 स्कोर किए, वो कहेगा यार ये क्या चीज़ है, ये 90, उसको पूरा समझाना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट था, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते थे, उसमें क्या सक्सेस रेशियो था, वो कितना मुश्किल टेस्ट था, इतना समझने का टाइम इसी के पास होगा, तो ओवरऑल फिर वो नंबर आपका ना वो माने नहीं करता, उस नंबर मीनिंगफुल नहीं है वो नंबर इतना। ऑन अदर हैंड, अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड चलें, शुरू से ही हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें, अच्छा यही आपके टीचर्स हैं, यही आपको प्रोजेक्ट देंगे, या सैलानी की मैनेजमेंट डिसाइड करें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, हम अभी है का तो हम तो करते ही हैं, वो प्रोजेक्ट बनाने से बेनिफिट ये होगा कि पहले दिन से ही आप जब प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे और गिटहब में उसको पुश करेंगे और अपने सोशल नेटवर्क्स पे उसको शेयर करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास 25, 30, 40 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे जो चलते हुए होंगे, लाइव होंगे, क्लिक करो खुल के सामने आ जाए, समझ लो, तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। आपसे किसी ने बोला कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपने जवाब नहीं देना है, आपने लिंक खोल के सामने कर देना है, ये मैंने बनाया जावास्क्रिप्ट, अब वो उसका कोड देखेगा, आपसे दो चार सवाल करेगा, बात खत्म, अब आगे कोई बात नहीं रहेगी ना, टेस्ट में क्या स्कोर आया था वो सब खत्म हो गई बात, पीछे पुरानी हो गई बात, वो आपसे पूछेगा कि डेटाबेस आता है, आप कहेंगे कि मैंने डेटाबेस की एप्लीकेशन बनाई है, टू एप्लीकेशन बनाई है डेटाबेस के साथ,
आपसे पूछेगा वो रिएक्ट आती है, आप कहेंगे रिएक्ट पे मैंने डैशबोर्ड बनाया है, इसमें राउटिंग भी हो रही है, लॉगिन साइनअप भी हो रहा है, ऑन गार्ड भी लगे हुए हैं, JWT भी लगा हुआ है, रियल टाइम में डेटा भी आ रहा है, तो खत्म हो गई ना सारी बात। अब वो सिर्फ बात ये रहेगी कि आपने बनाया है किसी और ने बनाया है, तब से सवाल ये रहेगा। तो वो तो GitHub पे देखेगा कमेंट्स कि अच्छा यार इसमें ये 20 दिनों तक कंटिन्यूसली एक एक कमेंट, दो दो कमेंट इसका हुआ है, तो मतलब इसी ने बनाया होगा, ठीक है। फिर लॉन्ग रन में भी आपके बड़े काम आएगा, लॉन्ग रन में आपके ऐसे काम आएगा। देखें मैं लास्ट ओरिएंटेशन क्लास हुई थी जब, तो मैंने यहाँ पे धड़ल्ले से खड़े होकर बोला था कि मुझे 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। अब क्या सबूत है, क्या सबूत है कि मेरे पास 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस? नौकरी तो जिंदगी में कभी मैंने की नहीं कि जो मैं आपको देखा एक्सपीरियंस लेटर। क्या सबूत है भाई? GitHub.com, बिल्कुल सही पहचाना। GitHub.com पे आप जाके देखें 2015-2014 की आपको कमेंट्स मिलेंगे। 2015 में अभी कल ही मैं ऑनलाइन क्लास जो है उसमें बच्चों को दिखा रहा था मैं कि 2015 में एंगुलर के उसमें चार प्रोजेक्ट्स बने हुए थे, अभी क्लिक किया वो भी चले गए उसी वक्त, तो फायरबेस पे होस्ट हुए हुए थे वो तो कहीं नहीं जाते, मैंने क्लिक किया वो खुल भी गया, मेरा वाया क्या बात है। तो आज से 10 साल बाद भी ना आप अगर कहीं खड़े होकर बोलेंगे ना, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में गए, इंटरव्यू देने गए, कहीं पर भी गए, आप कहेंगे मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है GitHub.com का, और इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि एक तो चलता हुआ कोड है, दूसरा वो मिसाल के तौर पर मैंने हेलो वर्ल्ड बनाए हुए थे 2014 का, मैंने देखा ना एंगुलर 2 के मैंने हेलो वर्ल्ड बनाए हुए थे, उसमें नया नया आया था, फायरबेस फंक्शन आया था जब, तो जिस दिन रिलीज हुआ था उसी दिन मैंने उसका हेलो वर्ल्ड बनाया था। तो आप मेरा अगर खोल के देखेंगे ना फायरबेस हेलो वर्ल्ड मेरे GitHub.com पे, और फायरबेस फंक्शन के रिलीज की डेट देखेंगे वो सेम डेट है। तो ऐसा तो या तो मिसाल के तौर पर मैं कल जो मैं क्लास पढ़ाते हुए ये दिखा रहा था, या तो मेरा ये प्लान हुआ कि यार अच्छा अभी मैं हेलो वर्ल्ड बना लेता हूँ आज फिक्स डेट पे, आज से 6-7 साल बाद जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो उनको दिखा के इम्प्रेस करूंगा, ये तो हो नहीं सकता, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब है वो बात सही है। तो हमने ये देखा कि जो आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना और उसको GitHub में पुश करेंगे और उसका वो लिंक भी लगा देंगे साथ में, वो आपका अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। कोई डिग्री, कोई क्विज का स्कोर, कोई चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो इतनी स्ट्रांग चीज है। अच्छा, फिर जब अपने हाथ से कोड लिखते हैं तो कोडिंग हाथ से लिखने वाली चीज है, ये नहीं कि आगे बैठे पढ़ा देखा सैनवा की तरह देखा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। 4 साल भी पढ़ते रहोगे ना, देखते रहोगे, सिर्फ नहीं समझ आएगा। हाथ से लिखोगे 6 महीने में अपनी किस्मत बदल सकते हो। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं ना अभी, आपका माशाल्लाह ये कोर्स 6 महीने हो गया है कोर्स को, अभी शायद 2-4 महीने और रहते हैं पता नहीं क्या, तो ये आपके पास जो अगले 2 महीने हैं, अब अगले 2 महीने में अगर आप चाहें आप सब लोग, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और जो किस्मत होती है ना बंदे की, वो बंदा अपने हाथ से चूज करता है के जाहिर है जो एक्ट होते हैं, जाहिर है जो आप बोएंगे वही काटेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोरे कुछ और काटे कुछ और है। अच्छा, तो हमने ये प्रेजेंटेशन वाला फैसला किया, हमने कहा कि यार प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। अच्छा, अब आगे प्लान क्या है? आज की तो प्रेजेंटेशन अभी हम फेसबुक पे लाइव नहीं करते, अगली दफा से इंशाल्लाह हम ये फेसबुक पे लाइव करेंगे। अच्छा, और हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट्स तो हम पहले भी बना रहे हैं, यहाँ पे सब लोग बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट हम शेयर करते हैं फेसबुक के ग्रुप पे जो कि प्राइवेट है, वहाँ पे सिर्फ जो ज्वाइन लोग हैं वही देखते हैं, पब्लिक नहीं देखती। हमने इसको दिखाना है पूरी दुनिया को, क्योंकि आप इस क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं वो तो सिर्फ आपको पता है, आपके दोस्त को पता है, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अमेजोन के डार्क फॉरेस्ट में इतने अच्छे अच्छे मोर हैं, तोते हैं, नाच रहे हैं, पता नहीं अच्छी अच्छी आवाज निकाल रहे हैं, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो आप उसी डार्क फॉरेस्ट के अंदर हैं, आप जंगल के अंदर हैं और आप नाच रहे हैं, बहुत अच्छा नाच रहे हैं आप, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। हमें इसका हल निकालना है, हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम ये करना है। हमें आपको लग रहा हो ना आप हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, वो भाई बाहर के लोगों के लिए पता नहीं तो चीज है, वो जंगल के अंदर जो मोर नाच रहा है तो दूसरे मोर के आगे वो क्या एटीट्यूड दिखा सकते हैं कि यार मैं अच्छा नाचता हूँ, क्या मैं भी अच्छा नाचता हूँ, दोनों ही मोर है, दोनों अच्छा नाचते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना वो सारे ही मोर है, आप सारे ही अच्छा नाच रहे हैं, तो एक दूसरे को कोई आप वो नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के बंदे के लिए जिसने कभी जिंदगी में देखा नहीं है मोर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये दुनिया को दिखाना है, तो अगली दफा से हम ये फेसबुक पे लाइव करेंगे प्रेजेंटेशन। अच्छा, और क्या करेंगे यहाँ पे हम इंशाल्लाह, अभी जो प्लान है हमारा कि हर 15 दिन के बाद ना या 20 दिन के बाद एक प्रेजेंटेशन संडे को यहाँ पे हम रखेंगे, उसमें हम बुलाएंगे जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं ना कराची के, सबसे बात हो रही है, इनका कोई ना कोई बंदा यहाँ पे बुलाएंगे हम,
वो यहीं पे आके ना आपको लाइव देखेगा, क्योंकि फेसबुक पे तो बहुत कुछ चल रहा है ना, वो यहाँ पे आपको लाइव देखेगा बैठ के और यहीं से आपको हायर करके लेके जाएगा। कैसा है? अच्छा है ना? तो अल्टीमेट प्लान जो है ना हमारा, वो पता है क्या है? अल्टीमेट प्लान हमारा ये है कि यहाँ पे हमने लगाना है इतवार बाजार, डेवलपर्स का इतवार बाजार, कि हर संडे को हम अलाउ कर देंगे सबको, कि जो भी सॉफ्टवेयर हाउस वाला है, जो भी स्टार्टअप कर रहा है, जो भी नेस्ट आए हुए हैं, जो भी लोग हैं, किसी को भी डेवलपर चाहिए ना अगर, तो लिंक्डइन पे जाने की जरूरत नहीं है। संडे को यहाँ लगता है सैलानी में इतवार बाजार डेवलपर, यहाँ पे आओ, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी प्रेजेंटेशन देखो उन्होंने क्या बनाया, और उसके बाद 10 मिनट का नेटवर्किंग का आवर होगा। तो मैं इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि 2-3 महीने के बाद ना यहाँ पे सिचुएशन ये होगी कि एक डेवलपर होगा ऑस भाई का स्टूडेंट या हैदर भाई का, और चार कंपनी वाले उसको चार तरह से खींच रहे होंगे, इंशाल्लाह इसको मैं लेके जाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। सही है। तो ये सारा चक्कर ये है कि आप लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट लगा दिया जाए। तो नंबर एक बात, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। नंबर दो, बोलना सिखाना है। बोलना एक अलग चीज है, टेक्निकल होना एक अलग चीज है, बोलना एक अलग चीज है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ यार मैं खड़ा होकर, ठीक है, ये एक दिन में नहीं हुआ है, उसको टाइम लगता है, आप लोगों को भी टाइम लगेगा। और नंबर तीन बात, यहाँ पे हमें डेवलपर्स का इतवार बाजार लगाना है, आपको मैं सेल आउट, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, इसको अच्छी लाइन बोलते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बनने जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि सैलानी जो है पूरे कराची का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स, देखो कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, कोई भी नीड होती है ना किसी भी डिपार्टमेंट को, तो वो उनको जाके बोलते हैं कि यार ह्यूमन रिसोर्स वालों हमें चार डेवलपर चाहिए रिएक्ट के, और उनको इतने इतने सारे एक्सपीरियंस हो, ये प्रोजेक्ट ऐसे से काम करना। वो क्या करता है, एड चलाता है इधर उधर फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वहाँ से लोग बुलाते हैं, उनको इंटरव्यूज करते हैं, इंटरव्यू करने के बाद जो उनको लगता है कि एलिजिबल है उनको भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से मिलवाते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये जितने भी कंपनी के अंदर HR खुले हुए ना, ये सब बंद हो जाएंगे, अब सिर्फ सैलानी होगा HR। किसी भी कंपनी को कोई बंदा चाहिए होगा, वो सैलानी में आएगा, बोलेगा कि हमें चार डेवलपर चाहिए रिएक्ट के, और ऐसे ऐसे हमें प्रोजेक्ट है, आप हमें बंदा ढूंढ के। तो हम इंशाल्लाह फिर सैलानी में इंटरव्यू शायद करना शुरू कर दें, जैसे दूसरे जॉब्स के लिए ना हेड ऑफिस में इंटरव्यू का एक सेंटर खुला है HR का, वहाँ पे ये वाला नहीं होता, दूसरे इंटरव्यूज होते हैं कि आपको अगर जॉब चाहिए आप अपनी जाके CV जमा करा दें, वो देखते हैं फिर कंपनी से रब्ता करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले बड़ा जरूरी है वो क्यों, मैं आपको वही बता देता हूँ। अगली दफा से ना, अभी तो सिर्फ आप लोग हैं, अगली दफा से यहाँ पे होंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के CEOs होंगे, HR के बंदे होंगे। अच्छा, हम कुछ और भी लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, मिसाल के तौर पे आपके अम्मी को, है ना, जैसे स्कूल में तो आजकल अलाउ नहीं होता ना कि माँ बाप जाके क्लासेस में बैठ सके, हम भी अलाउ नहीं करते, लेकिन हमारे पास ये लेवरेज है कि इस प्रेजेंटेशन में ना हम आपके अम्मी अब्बू को भी बुला सकते हैं, जो क्यूरियस है ना कि मेरा बच्चा जाता है तो पढ़ाई क्या करता है, तो वो यहाँ पर आकर देखें कि हाँ यार मेरा बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है। या वो वालदैन जो अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं सैलानी में, उनको भी हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे आना, कि वो आके यहाँ बैठें, देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर वो अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वो लोग जो सैलानी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लड़के लड़कियाँ, लड़कियाँ तो खैर नहीं, लड़के ही होंगे यहाँ पर सर, क्योंकि लड़कियों का अलग से हम कर रही हैं एक चीज़ से। तो वो लड़के जो सैलानी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है सैलानी को कि सैलानी करता क्या है, क्या पढ़ाता है, पता नहीं कैसा पढ़ाता होगा, तो हम उनको भी अलाउ करेंगे कि वो भी यहाँ पर आकर बैठे, जो टेस्ट में फेल हो गया, नहीं एडमिशन हो सका, या वो अगले साल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, वो यहाँ पर आके बैठे, तो ये सारे लोग यहाँ पर होंगे। और भी हम पब्लिकली ओपन कर देंगे, जैसे वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं जिसमें पब्लिकली ओपन होता है कि फॉर्म फिल करें आगे बैठते हैं, तो इस तरह यहाँ पे बाहर के लोग होंगे,